नमस्कार आप सभी को, मैं केदार मेहर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस समय मैं हूं अपने देवभूमि उत्तराखंड के जनपद बागेश्वर के लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई में स्थित भगवान मूल नारायण देवता के पवित्र धाम सीकर में, जहां पे आप सभी ने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से रास्ते का निर्माण किया जा रहा है। आज हम लोगों की यहां पे एक सामूहिक पूजा आई थी पंचमी के अवसर पर, तो इस समय मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस समय हम लोग शिखर मंदिर से लगभग 50 मीटर की दूरी में नीचे झोपड़ा की साइड में है। ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, यहाँ से कपकोट ब्लॉक का झोपड़ा गाँव है। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे हमारे गांव के लोग जो हैं श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान किस चीज़ का कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो रास्ता बनाया जा रहा है, जिसको आपने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि काफ़ी बढ़िया तरीके से बहुत ही बढ़िया कलाकारी करते हुए शिखर मंदिर में जो रास्ता बनाया गया है, तो उस रास्ते को और ज़्यादा लंबा करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे गांव के कुछ लोगों ने जो यहाँ पे मजदूरी कर रहे थे बीच में, उन्होंने जो है पत्थर निकाल के रखे हुए थे। तो आज यहाँ पर महाराज जी ने हमको कहा कि आप गाँव के लोग यहाँ पर आए हो तो थोड़ा सा मंदिर में श्रमदान कीजिए, सहयोग कीजिए, और यहाँ से जो पत्थर यहाँ पर तोड़े गए हैं इन पत्थरों को जो है आपने जो है निर्माण स्थल तक पहुंचाना है। तो मैंने अपने गांव के सभी लोगों से अपील की, साथ में भंडार ग्राम पंचायत के भी यहां पे लोग आए हैं और अन्य जगह के जो श्रद्धालु लोग भक्त लोग आए हैं, तो मैंने सभी को कहा कि यहां से पत्थरों को जो है निर्माण स्थल तक पहुंचाना है। तो सभी लोग यहां पर आ रहे हैं, सभी लोग यहां पे जो है पत्थर को श्रमदान करते हुए अपने कंधे में अपने सर में लाद कर जो है निर्माण स्थल तक ले जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है कि आज भी हमारे पहाड़ों में लोग जो है सहयोग की भावना से काम करते हैं, श्रमदान करते हैं, मिलजुल कर किसी भी काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ लोग अभी पत्थरों को लेकर गए हैं, कुछ लोग अभी ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो सहयोग की भावना के साथ यहाँ पे श्रमदान किया जा रहा है। तो मैं आप सभी को ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप आने वाले समय में जो है मेरे इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं वीडियो, तो प्लीज वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें। बहुत बढ़िया, श्रमदान करते हुए हमारे गांव के सारे लोग आप देख सकते हैं। शाबाश, अरे दो दो चक्कर आना है, हाँ एक चक्कर और आना है यार। बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य, तेल जला हम लगाया। शांति मिले, विश्व में शांति बनी रहे और हमारे भारत देश शक्तिशाली हो और प्राणी मात्र का उद्धार हो, कल्याण हो, इन्हीं कामनाओं के साथ हम पूरे संसार के प्राणी मात्र के लिए शुभकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोला पंचनाम 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, समस्त तीर्थों की जय, समस्त गंगाओं की जय, समस्त वेदों की जय। कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है महाराज जी, उत्सव है। तो ये देख सकते हैं, ये हैं इस मूल नारायण देव मंदिर शिखर धाम के महाराज जी।
जिन्होंने आज मुझे एक अपील की कि गांव के जितने भी लोग आए हैं आपके कहने पर यदि वो यहाँ पे श्रमदान कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मैंने गांव के सभी लोगों को ये बात बोली और जो अन्य लोग आए थे, भंडार गांव से भी आए थे, अन्य श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, तो सभी को अपील करी कि यहाँ पे जो पत्थर तोड़े गए हैं तो इन पत्थरों को जो है निर्माण स्तर तक ले जाना है। तो सभी लोगों ने जो है यहाँ पे एक जो सामाजिक काम होता है, जो एक मिलजुल कर कार्य, जो सहयोग की भावना होती है, तो सहयोग की भावना के तहत यहाँ पर सभी लोग आए और मिलजुल कर ये देख सकते हैं सभी लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से पत्थर। तो महाराज जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करेंगे जो लोग यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं, इस बारे में सिर्फ आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कुछ बोलना है तो आप क्या कहेंगे? ये मूल नारायण महाधाम संसार के जिला बागेश्वर, हिंदुस्तान के जिला बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में 10,000 फीट की हाइट में है, जो पौराणिक सिद्ध पीठ है जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि कैलाशपति महादेव के भी यहाँ लोग आते हैं तो यहाँ भी दर्शन करते हैं, और यहाँ बरसात वगैरह, अकाल दुकाल, महामारी वगैरह के लिए, सब्ज के लिए प्रार्थना होती है, और निर्धन को धन मिलता है, वाजन को पुत्र मिलता है, सभी किस्म के वरदान यहाँ से मिलते हैं। मैं यहाँ आज आप सबकी सेवा में, सम्मान में, आपके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए, शक्तिशाली भारत निर्माण के लिए, आज 2002 के बाद 19 साल हो गए निष्काम सेवा माने, निःशुल्क यहाँ पर रात दिन ड्यूटी करते रहता हूँ। यहाँ पर व्यवस्था है, कंबल, बिस्तर, पानी, भोग भोजन नहीं होने पर सारी सेवाएँ लोगों की फ्री होती हैं, और यहाँ के लोग बहुत श्रद्धालु हैं और ये श्रमदान भी करते रहते, अन्नदान करते रहते, वस्त्रदान करते हैं, और काफ़ी लोगों ने यहाँ दान वगैरह, दान धर्म करते रहते हैं। तो यहाँ पर हर साल 18 महापुराण भी हो रहे हैं, और जिसका संकल्प है विश्व शांति, प्राणी मात्र का उद्धार, कल्याण और शक्तिशाली भारत निर्माण जी। और हम ये कोरोना जैसी महामारियों के लिए भी, संसार के जीव प्राणी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको इसका आक्रोश समाप्त हो जाए, किसी किस्म की महामारी अलावला हमारे सब प्राणी मात्र भाई बहनों को प्रभु की कृपा से किसी प्रकार का कोई बीमारी न हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, और वह सुखी रहें, संपन्न रहें, ऐसे धार्मिक काम हमारे वहाँ होते रहें। यहाँ 18 महापुराण हो रहे हैं, जिसमें से 10 महापुराण हो चुके हैं, अभी और होने बाकी हैं। यह कोरोना महामारी आदि वगैरह आप सबकी परेशानी के लिए मूल नारायण महाधाम शिखर में हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे संसार के प्राणी मात्र सुखी संपन्न रहें और धर्म के मार्ग चल पर चलकर मर्यादित रहें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृतोर्मा मृतंगमय। ओम कर चरण कृतंग वाकायजंग श्रवण निजंग वामानसंग वापराधंग विहितमि विहितंग वा सर्वमि स्मस। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परबीजन। 18 पुराणों में व्यास जी ने निर्देशित किया संक्षिप्त में कि इनका सार क्या है, तो परोपकाराय पुण्यम पापाय परबीजन। परोपकार ही पुण्य है और पाप ही दूसरे पीड़ा पहुंचाना है, यह रास्ता जब तक पृथ्वी रहेगी, ये भगवान और आपका यश यश बनता रहेगा, आपका समृद्धान जो है अक्षय है, जिसका कोई कभी नाश नहीं होता है। सब देवता लोग, दानी लोग, धर्मात्मा लोग, साधु महात्मा, पुण्यशील लोग यहाँ आएंगे, जितने कदम आपके इस बनाए हुए निर्माण कार्यों में, धर्मशालों में आराम करेंगे, रास्ते में चलेंगे, आप लोगों को सबको पुण्य मिलता रहेगा और आपके पूर्वजों सहित आपके घर में सुख शांति मिलेगी। बोलो बोल नारायण भगवान की जय, माई की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।